जादुई लिपस्टिक का घर। सीमा अपनी दादी सुरेखा के साथ रहती थी। सीमा के माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद सुरेखा ने सीमा की देखभाल की, लेकिन उम्र ज्यादा होने के कारण सुरेखा से कोई काम नहीं हो पाता था, जिस वजह से सीमा ही काम किया करती थी। सीमा रेडी पर लिपस्टिक, बिंदी, काजल, चूड़ियां और भी कई चीजें बेचा करती थी। वो सुबह ही रेडी लेकर पूरे गांव में बेचने के लिए निकल जाती और शाम तक जो भी पैसे मिलते वो अपनी दादी को दे देती और फिर सुरेखा उन्हें संभाल कर रख देती। बेचारी सीमा इस उम्र में पढ़ाई ना करके काम कर रही थी और अब वो भी क्या करती। दोनों ही मजबूर थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो सीमा को स्कूल भेज सके। सामान बेचने के बाद सीमा घर आती और घर के सारे काम भी किया करती थी और साथ ही खाना भी बनाती थी, जिसके बाद सुरेखा उसे अपने हाथों से खाना खिलाती और दोनों आराम से सो जाते। एक दिन सुरेखा की तबीयत बहुत खराब होती है। सीमा सभी के पास मदद मांगने जाती है, लेकिन कोई भी सीमा की मदद नहीं करता और सभी को सीमा की बातें झूठी लगती है। और आस पड़ोस के कुछ औरतें तो यही कह रही थी, अरे अब इसके दिन आ गए हैं, ये बुढ़िया ज्यादा दिनों तक नहीं बचेगी, भगवान जल्दी इसे अपने पास बुला लेगा। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो, बेचारी सीमा को भी कितना काम करना पड़ता है, ये बुढ़िया चली जाएगी तो सीमा का काम भी कम हो जाएगा। ये सारी बातें सीमा सुन लेती है और कहती है, आंटी अगर आप किसी का अच्छा नहीं चाह सकती तो बुरा भी मत सोचिए। आप किस तरह से मेरी दादी के बारे में बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती क्या? अरे अरे देखो कैसे बोले जा रही है, जाते जाते अगर इसके माँ बाप कुछ सीख दे जाते तो ऐसा नहीं होता, थोड़ी तमीज तो आती इसे। देखिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ तो आप भी मत बोलिए। मुझे तो समझ नहीं आता आप इतनी बड़ी होके किसी के बारे में इतना बुरा कैसे बोल सकती हैं। बेटी जो भी कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ और तेरे भले के लिए कह रही हूँ। तेरी दादी जब नहीं रहेगी तो तुझे घर का काम भी कम करना पड़ेगा और खाना भी कम बनाना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं आंटी, मैं तो अपने माता पिता की भी उम्र भर सेवा करनी चाहती थी, लेकिन अब वो नहीं रहे तो कोई बात नहीं। लेकिन आप देखना मेरी दादी को कुछ नहीं होगा, बल्कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी और आज के बाद आप मेरी दादी को कुछ भी नहीं बोलेंगी। हाँ हाँ ठीक है, धमकी तो ऐसे दे रही है जैसे पता नहीं कौन सी पुलिस हो, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है, सही बता रही हूँ तो इसे गलत लग रहा है। जिसके बाद सीमा चली जाती है और फिर दवाई लेकर अपनी दादी को खिला देती है। सीमा अगले दिन सामान बेचने नहीं जाती क्योंकि उसे अपनी दादी की चिंता सताए जा रही थी। भगवान मुझे अपने पास जल्द ही बुला लो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी पोती को सबकी बातें सुननी पड़े या ज्यादा मेहनत करनी पड़े, मुझे जल्द ही बुला लो। अरे दादी आप ही कैसी बातें कर रही हैं, आपको तो पता है ना आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और अगर आप ही ऐसी बातें करेंगी तो मेरा क्या होगा दादी, मैंने तो बचपन से ही आपको माँ और पापा माना है। और आप ऐसा मत कहिए, देखना आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। कैसे बेटी, कोई तो हमारी मदद भी नहीं करता है और हमारे पास इतना छोटा घर है और ना ही तो ज्यादा पैसे है। अपनी दादी की बात सुनकर सीमा उदास हो जाती है और सोचती है, काश थोड़े पैसे होते जिससे मैं अपनी एक कॉस्मेटिक की दुकान खोल लेती। मैं रेडी पर सामान बेचने जाती हूँ इसीलिए मेरा सामान कोई भी नहीं लेता, यही समझकर कि मेरा सामान अच्छा नहीं है। काश मेरा ये सपना पूरा हो जाए और मैं दादी का इलाज करवाकर हम दोनों खुशी से रहेंगे। जिसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सीमा रेडी पर सारा सामान लेकर जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि एक गर्भवती औरत रोड के साइड खड़ी है जो कि ऑटो रोकने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा। जिसके बाद सीमा जल्दी से उनके पास जाती है और एक ऑटो रिक्शा रुकवा कर उसमें उनको बिठा देती है और फिर अस्पताल उन्हें लेकर जाती है और बाहर बैठ जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही उसे पता चलता है कि उस औरत ने एक बेटे को जन्म दिया है। ये जानकर सीमा को बहुत खुशी होती है, लेकिन तभी डॉक्टर उसके पास आकर फीस जमा करने को कहते हैं और फीस थी 5,000 रुपए।
और अभी तो सीमा के पास 1 रुपए भी नहीं थे, तो वो 5,000 रुपए कैसे देती। डॉक्टर साहब, मैं तो रास्ते से जा रही थी तभी मैं इन्हें ले आई, मेरे पास तो अभी बिल्कुल पैसे नहीं है, आप मुझे बस थोड़ा समय दे दीजिए, मैं किसी तरह आपके पैसे दे दूंगी। जिसके बाद वो डॉक्टर सीमा की परेशानी समझ जाता है और कुछ लोगों से पैसे मांगकर और अपने घर की जमा पूंजी से वो पूरे 5,000 रुपए डॉक्टर को दे देती है। जिसके बाद सीमा उस औरत को उसके घर ले आती है और कहती है, आप ठीक तो है ना, कितना प्यारा बेटा है आपका, ये तो तुम्हारी वजह से ही हो पाया है, तुम मेरी बहन की तरह हो और तुम इतनी गरीब होने के बावजूद भी तुमने मेरी मदद की, लोगों से पैसे मांगे बल्कि अपनी घर की जमा पूंजी भी डॉक्टर को दे दी, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है, तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैं तुम्हें थोड़े पैसे देना चाहती हूँ, ज्यादा तो नहीं लेकिन मेरे पास इतने पैसे हैं कि तुम्हारा कोई एक सपना तो पूरा हो जाएगा, और मना मत करना, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझ कर रख लो। जिसके बाद सीमा भी पैसे लेकर घर चली जाती है और अपनी दादी को सारी बातें बता देती है। ये तो तूने बहुत अच्छा किया, तूने किसी जरूरतमंद की मदद करी, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटी। दादी, मैंने सोचा है कि मैं इन्हीं पैसों से अपनी एक छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान खोल लूं, क्योंकि मैंने देखा है कोई भी रेडी वाला सामान मेरे से नहीं लेता है, और अगर मैंने दुकान पर सामान बेचना शुरू किया तो मेरे पास ज्यादा पैसे आएंगे। बेटी ठीक है, ये तो तू अपने लिए एक दुकान खोल ले। जिसके बाद सीमा अगले ही दिन एक दुकान खरीद लेती है और उसमें सारा सामान रख देती है। उसका सपना तो पूरा हो जाता है लेकिन उसके दुकान पर अब भी कोई नहीं आता, जिसके बाद वो उदास होकर एक दिन जा रही होती है, लेकिन तभी उसे एक जादूगरनी मिलती है। अरे सीमा बेटी, तुम इतनी उदास होकर क्यों जा रही हो? अरे आपको मेरा नाम कैसे पता, और आप तो जादूगरनी है ना? मैं जादूगरनी हूँ तभी मुझे तुम्हारा नाम पता है, मैंने आज ही तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगाया है कि तुमने एक गर्भवती औरत की मदद करी और साथ ही तुम गरीबों की भी मदद करती हो, इसीलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे पता है तुमने एक दुकान खोली है लेकिन वहाँ पर भी कोई ग्राहक नहीं आता, इसीलिए मैंने तुम्हारे दुकान के पास ही एक जादुई लिपस्टिक का घर बनाया है, तुम उसमें अपनी दादी के साथ खुशी से रहना और देखना, तुम्हारी दुकान में काफी ग्राहक आएंगे और तुम्हारी दादी भी जल्दी से ठीक हो जाएगी। जादूगरनी की बात सुनकर सीमा को बहुत खुशी होती है, उसे सब कुछ समझ आ जाता है, वो जल्दी से जाती है और देखती है कि सच में वहाँ पर एक जादुई लिपस्टिक का घर है। ये देखकर सीमा बहुत खुश हो जाती है और अपनी दादी को बुलाकर जल्दी से उस घर में चली जाती है जिसमें की सारी चीजें थी, और अगले दिन जब वो अपनी दुकान पर जाती है तो धीरे धीरे करके वहाँ पर काफी ग्राहक भी आने लगते हैं, और उस दिन उसकी कमाई भी अच्छी होती है, और अब तो सीमा बहुत ही ज्यादा खुश थी, जिसके बाद वो अपनी दादी के साथ खुशी से रहने लगी।